वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं चावल के आटे से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बताऊंगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया है तो। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हम पानी डाल देंगे। पानी के गर्म होने के बाद हम आधा चम्मच मिर्च डालेंगे। मिर्च अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस पर हम स्वादानुसार नमक डालेंगे और एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल की जगह आप घी भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, स्पैचुला की हेल्प से चलाएंगे। नमक के गल जाने के बाद अब हम इस पर एक बड़े बाउल में चावल का आटा डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि इस पर कोई भी लम्स या गुठलियाँ ना बने। थोड़ा सा चावल का आटा मैंने और ऐड किया है, आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। फ्लेम को हम बंद कर देंगे ताकि यह अच्छी तरह से मॉइस्चर छोड़ दे। नमी या मॉइस्चर की हेल्प से चावल के आटे को लगाने में हेल्प मिलेगी। अब हम इसे एक अलग से प्लेट पर निकाल लेंगे और अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। आटे को तैयार करने से पहले हम हाथ में तेल लगा लेंगे ताकि यह मिक्सचर हमारे हाथ पर चिपके नहीं। चावल के आटे का डो रेडी कर लेंगे, अच्छी तरह से इसे लगाएंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार है हमारा। अब हम हाथ पर थोड़ा सा और तेल लगाएंगे और छोटी छोटी इस डो की बॉल बना लेंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इन सभी डो का छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाही पर पानी डालेंगे और इस प्रकार का किसी भी बर्तन को ग्रीस कर लेंगे और कढ़ाही के ऊपर रख देंगे। और ये सभी छोटी छोटी बॉल जो हमने बनाई है उसे इस पर रख देंगे स्टीम होने के लिए। इन सभी बॉल को हमें 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने देना है। 15 मिनट की स्टीम के बाद हम इसे निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया स्पंजी बॉल हमारे हो गए हैं, अच्छे तरह से ये पक गए हैं। इसे 15 मिनट तक ज़रूर पकाएं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम एक बाउल लेंगे, उस पर 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम इस पर सरसों के दाने डालेंगे, कढ़ी पत्ता डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे और छोटी छोटी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। यदि आपको मिर्च ज़्यादा नहीं पसंद है तो हरी मिर्च आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने चावल के डो पर भी लाल मिर्च डाला था। अब हम इस पर जीरा डाल देंगे और इन सबको 2 मिनट तक पकने देंगे। अब इस पर हम उन सभी बॉलों को डाल देंगे और अच्छी तरह से इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने से इस रेसिपी में और भी बढ़िया टेस्ट आता है, इसलिए आप फ्राई ज़रूर करें। आप इस पर चाहे तो सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। अब हम इस पर हरी धनिया डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से चलाएंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक ढककर पकने देंगे। हमारे टेस्टी राइस बॉल बनकर रेडी है। इसे आप चिली सॉस या टमाटो सॉस या चटनी के साथ सर्व करें, चाहे तो आप बगैर चटनी के इसे खाएं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसे आप ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स पर शेयर करें। थैंक यू।